चित्कृष्टिद्भृषलभुतुर्भद्रगाल्यै पुरुषवसुबालभतापत्यकामः तस्य ह दैवमुक्तस्य पशोपदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशि निशीथसमये तमसाव्रतायाम् अनधिगतवसव आकस्मिकेन विधिना केदारान् पीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमङ्गिरप्रवररुदम् न पश्यन् अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृश्य भर्तृकर्म निष्पत्तिम् मन्यमाना बुद्ध्वा रशनया चण्डिकाग्रहमुपजिन्यो मुदा विकसितवदनाः प्रमाद से बचना चाहिए। प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीम। प्रमाद तो मृत्यु ही है। एक मृत्यु नहीं अनेक मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु मापनोति। गृहदार आदि को छोड़कर भरत तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में पहुंचे थे, रहने लगे थे, तपस्या भी कर रहे थे। आसक्ति छोड़कर भगवान को ही सब कुछ समझते हुए भरत जी तपश्चर्या कर रहे थे, परंतु प्रमाद हो गया, हरिण बालक में मोह हो गया। मनुष्य जब गलती करता है और प्रतीत होने लगता है कि गलती हो रही है, तो उस गलती को सही सिद्ध करने के लिए युक्तियों को स्वयं उपस्थित कर लेता है और यह समझता कि मैं ठीक कर रहा हूं। भरत की भी ऐसी ही बात हुई। उस हरिण बालक में मोह हो गया तो इतनी अधिक आसक्ति करना उचित नहीं। फिर भी समाधान भरत ने इस प्रकार किया कि मेरी शरण में आया है यह, शरण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और उस हरिण का ही निरंतर चिंतन करने लगा, उसी की सेवा में लगा रहा। यह मालूम होने पर भी कि इस प्रकार किसी प्राणी में मोह न करना चाहिए, कुतर्क के द्वारा भरत ने उसका समर्थन किया कि नहीं, मैं ठीक ही कर रहा हूं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि स्वयं कुछ निर्णय मत लिया करो, गुरु की शरण में जाकर उनकी आज्ञा का पालन किया करो। भरत ने तपश्चर्या जरूर की, परंतु गुरु वचन को आगे रखकर नहीं किया, गुरु की शरण में वो नहीं गया, जिसका परिणाम ये निकला कि अंत समय में हरिण का ही स्मरण हुआ और दूसरे जन्म में हरिण बन गया। अपनी गलती उनको मालूम पड़ी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
भगवत धर्म यदि स्वल्प भी किया जाए वह महान भय से रक्षा करने वाला है ही। इसी आधार पर पूर्व जन्म की स्मृति भरत को हुआई, अपनी गलती उनको प्रतीत हो गई और उस हरिण शरीर को छोड़कर तृतीय जन्म जब मिला तो प्रमाद से दूर करने का निश्चय किया। दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यही बात अपने जीवन में भरत ने उतारा। किसी से आसक्ति नहीं की, पिताजी ने उपदेश दिया और ग्रहण भी किया, लेकिन अज्ञानी के समान उन्मत्तवत पिशाचवत बालकवत भरत ने व्यवहार किया कि जिससे पुनः मैं मोह में ना फंसूं। लोग सब उनको जड़ समझने लगे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत ही रख दिया था और यही बोलना शुरू किया था। जड़ भरत के भाइयों ने भी समझा कि ये बड़ा ही मूढ़ है, यह विद्या ग्रहण तो नहीं ही कर सकता। खेत में वराह आदि मृगों से रक्षा करने के लिए जड़ भरत को नियुक्त किया और वह वीरासन पर बैठकर खेत की रक्षा करने लगा। उसी समय का यह वृत्तांत बतला रहे हैं। अथ कदाचित् कश्चित् वृषलभदुर्भद्रगाल्यै पुरुषपशुमालभतापत्यगामः तस्य दैवमुक्तस्य पशोपदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशिनिशीतसमये तमसा व्रतायामनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवरादिभ्यः संरक्षमाणमङ्गिरप्रवरसुतमपश्यन्। कोई वृषलपति था, डाकुओं का वह सरदार था, जगह जगह डाका डालता था, चोरी करता था, लोगों की हत्या करता था। उसके साथ ही भी बहुत सारे थे डाकू, डाकुओं का सरदार ही वह था। उसको लड़का नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी। किसी पंडित से जाके पूछा होगा, उपाय बताओ, और ऐसा ही वह पंडित भी रहा। उसने बता दिया, पुरुष वेध करने से जरूर लड़का होगा, अर्थात कराली काली के लिए पुरुष पशु का विशेषण किया जाए, बलि दी जाए, मनुष्य की बलि दी जाए तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा। वह पंडित भी मूर्ख था और यह तो डाकुओं का सरदार मूर्ख ही था। यही निश्चय किया कि मनुष्य की बलि देकर काली को प्रसन्न किया जाए जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। कहीं से किसी आदमी को पकड़ लिया, जंगल में वह रहता था, वहीं पर काली का पूजन करना प्रारंभ किया था। वहां लाकर एक खंभे के साथ उसको बांध दिया। नरबलि जब दी जाती है तो पशु के समान नर की भी हत्या की जाती है और उसके खून से भद्रकाली का अभिषेक भी किया जाता है। उसको मालूम पड़ा कि मुझे लाकर इन लोगों ने इसलिए बांधा है कि मेरी बलि देनी है। जब इधर सामग्री एकत्रित कर रहे थे सब डाकू, सबकी दृष्टि इधर उधर हुई थी तो उसी समय में धीरे से
रस्सी की गांठ खोलकर वह वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उस और लोगों की दृष्टि गई, तब उनको मालूम पड़ा, अरे ये हमारा पशु भाग गया है जिसकी बलि भद्रकाली के लिए देनी है। पता लगाओ, बृषलपति ने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा। पता लगाने के लिए लोग चारों ओर दौड़े, खोज की, लेकिन पता लगा ही नहीं। इस प्रकार जाकर वो छिप गया, इधर उधर भी ढूंढते ही रह गए, लेकिन वह मिला ही नहीं। डाकू इधर उधर ढूंढ रहे थे, संयोगवश खेत में भी पहुंच गए। उन लोगों ने समझा यहां कहीं पर भी वो छिपा हुआ हो। खेत में जब पहुंचे तो वहां देखा ये जड़ भरत जी बैठे हुए थे वीरासन पर, मजबूत तगड़ा देखने में। उन लोगों ने सोचा कि एक में से निकल गया तो कोई बात नहीं, इसको पकड़ लेना चाहिए और ले जाकर भद्रकाली को बलि देना चाहिए। लेकिन पकड़ना बड़ा मुश्किल, बड़ा मजबूत था वो, हट्टा कट्टा था। उन लोगों ने सोचा कि घेरा डालना पड़ेगा चारों ओर से और दबोचना पड़ेगा, तब ये वश में आ सकता है। बेफिक्र थे जड़ भरत, चिंता ज्यादा जिनको होती है वही कमजोर होते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। जड़ भरत को तो कोई चिंता थी नहीं दुनिया से, सारी दुनिया एक किनारे तो स्वयं अपने दूसरे किनारे। चारों ओर से डाकुओं ने घेरा डाल दिया और घेरा डालकर सब लोगों ने एक साथ दबोच लिया। उन लोगों ने सोचा कि दबोचते समय में ये उठ खड़ा हो जाएगा, हम सबको पीटेगा, कुछ नहीं, दबोच लिया। देखा कि वो कोई प्रतिकार कर नहीं रहा है, उसको कहा उठ खड़ा हो जा, खड़े हो गए। और क्या, हमारे साथ चल, चलो। डाकुओं ने समझाया, बड़ा सीधा दिखता बुद्धू जैसा, हम तो सोच रहे थे बहुत भयंकर है ये और इसको पकड़ना बहुत आसान था। उसको लेकर जंगल के मध्य में पहुंचे जहां पर डाकुओं का वह सरदार बृषलपति था। बृषलपति ने जब देखा कि बड़ा ही मजबूत तगड़ा आदमी मिल गया है तो बड़ी प्रसन्नता उसको हो गई। अरे पहले वाला जो था बड़ा दुबला पतला था, ये तो मोटा ताजा मिल गया, इसके शरीर से बहुत खून निकलेगा जिससे भद्रकाली जरूर प्रसन्न हो जाएगी और अवश्य ही पुत्र भी मुझे प्राप्त होगा। अर्पणयस्तम सुविधिदाभिषिच्य आहते नवास साक्षाद्य पूषणादेपस्रक्ति लगादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीप बाल्यलाज किसलयाङ्कुरफलोपहारोपेतया वैशस संस्थया महता गीत स्तुति मृदंग प्रणव घोषेण च वृषभसुं भद्रकाल्या पुरतोपवेशयामासुः। एक खंभे के साथ पहले बांधा और उसके बाद में स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में लाल लाल कपड़े पहनाए, तिलक लगाया और हार गले में डाल दिया। ये सब विधि है, बलिदान देने की विधि से ये सब कार्य कर लिया। धूप दीप सब दिखाया और उसके बाद में पुरुष पशु, जो पुरुष रूपी पशु है, उसको खाने को दिया जाता है। पूड़ी लड्डू सब बने हुए थे, उसके सामने रख कर का खाओ इसको। बड़ी प्रसन्नता होगी जड़ भरत को, कई दिन से अच्छा भोजन मिला नहीं था, आज तो लड्डू पूड़ी मिल रहा है, डट के खा गए।
देखने वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रही है, आज तक ऐसे आदमी को देखा नहीं, कईयों को पकड़ा डाकुओं ने खाने को दे तो वो खाते नहीं थे, ये तो खूब खा रहा है, अच्छी तरह से खा लिया। और फिर उसके बाद गीत के साथ स्तुति के साथ मृदंग बजाते हुए भद्रकाली के सामने ले जाकर जड़ भरत जी को बिठा दिया, लाल कपड़ों से आच्छादित कर दिया था। आधवराजपणि ही पुरुष भसोर सर्गा सवेन देवी भद्रकाली यक्षमाण तद अभिमंत्रित असीम अति कराल निशित उपाददी। उसके बाद में चमचमाती हुई तलवार ले लिया उसने हाथ में, जड़ भरत जी का गला काटना था और उस खून से भद्रकाली का अभिषेक करना था। हाथ में तलवार ली, इति तेषां वृषलानां व्रजस्तम प्रकृतीनां धनमगरज उत्सिक्त मनसां भगवत कला वीरकुलं कदर्थी कृत्योत्पतेन स्वैरं विहरतां हिंसा विहाराणां कर्मादि दारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिदस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः सूनायावप्यननु अननुमतमालम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दन्तह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाटसैव देवी भद्रकाली। चमचमाती हुई तलवार ऊपर उठ चुकी है, सबके सब देख रहे थे तलवार अभी पड़ेगी, गले में धड़ से मस्तक अब अलग हो जाएगा, खून उछलेगा और भद्रकाली प्रसन्न होगी, ये सब डाकू खड़े देख रहे हैं। जीवन भर में किसी की हत्या करना तो दूर, लेकिन किसी को थोड़ी सी तकलीफ भी जिसने नहीं दी थी, समस्त प्राणियों में जिसने केवल परमात्मा का ही दर्शन किया था, अपने से संभव सेवा ही जिसने जीवन भर में किया था, किसी के साथ वैर नहीं, द्वेष नहीं, विद्वेष नहीं, शांत गंभीर व ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत, भला कौन सा ऐसा पाप था आज गला फटने जा रहा है। मालूम सब कुछ था, लेकिन जड़ भरत जी शांत होकर बैठे हुए थे, जो होगा सो होगा। ब्रसलपति ने कहा कि अपना मस्तक झुकाओ भद्रकाली के सामने, झुका दिया, क्योंकि बराबर झुकने पर ना गले में तलवार पड़ सकती और खून उछलकर भद्रकाली के चरण तक पहुंच सकता है, झुका दिया, बस गले में तलवार के पड़ने की प्रतीक्षा मात्र वे कर रहे थे। उस समय भी वे शांत थे, समभाव में थे, गंभीर थे, स्वरूप चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म चिंतन में लगे हुए थे। तलवार पड़ने ही वाली थी, इतने में वह वृषलपति जिसकी उपासना कर रहा था उस भद्रकाली के शरीर में ही दाह पैदा होने लगी। आहा, एक निरपराध व्यक्ति का मस्तक आज काटा जा रहा है मेरे निमित्त, भद्रकाली से इस कराल काली से रहा नहीं गया। एकाएक हुंकार करती हुई गरजती हुई वहीं पर भद्रकाली प्रकट हो गई। शिरकंदुगलीलया।
आकाश कर रही थी, गरज रही थी, चमक गए थे वहां जितने भी थे, लेकिन क्षण भर में बिजली के समान हाथ आगे आ गया और उस वृषलपति के हाथ में जो तलवार थी छीन लिया उसने। तलवार पड़ने ही वाली थी गले में, लेकर उसको छीन लिया और छीन कर सर्व प्रथम जो सरदार डाकुओं का था, वृषलपति था, उसी का माथा काट कर, मस्तक काट कर गिरा दिया। उसके बाद में क्या कहना, वहां जितने भी डाकू थे एक एक का मस्तक काट गिराना शुरू कर दिया। कुछ बचने के लिए भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक ही काली ने उसके साथ में उसके गण भी पहुंच चुका था, सैकड़ों वहां पर डाकू थे। किसी का पांव कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का मस्तक गिर गया। थोड़े ही क्षण के अंदर कुछ तो भागने में सफल हो गए, बाकी सब मृतक हो गए। क्रोध में आकर भद्रकाली ने मस्तक उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू किया, जैसे कोई बालक गेंद खेल रहा हो। थोड़ी देर तक ये लीला चली और उसके बाद में वह महाकाली वहीं हो गई। जड़ भरत जी बैठे हुए थे, मस्तक झुकाकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे गले में अभी तलवार पड़ेगी और धड़ से मस्तक अलग हो जाएगा। केवल कोलाहल मात्र हुआ वहां पर, हाहाकार मात्र हो गया। थोड़ी देर में चारों ओर शांति हो गई। एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कार्ष्णेनात्मने फलति। इस बीच में सुखदेव जी बोल रहे हैं राजा परीक्षित को, हे राजन, महान पुरुषों का अतिक्रमण जो करना चाहता है उसका परिणाम विपरीत होता है। महापुरुषों की अवहेलना जो करें उसका यही परिणाम होगा कि स्वयं ही नष्ट हो जाएगा वह। उदाहरण के रूप में यही वृषलपति। नवा एतद् विष्णुदत्त महदद्भुतम् यद् असंभ्रमः स्वशिरश्छेदेनापतितेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मभाव सुदृढहृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषा परिवारायुधेनाप्रवर्तेन तैस्तैर्भावे परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलम् अकुतश्चिद्भयम् अपसृतानां भागवत परमहंसानां। हे राजन, कोई आश्चर्य की बात नहीं, भद्रकाली कैसे प्रकट होगी, कैसे आ गई ऐन मौके पर, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे आत्मा में ही निरंतर आराम करने वाले, ब्रह्म में ही चित्त को लगाने वाले जो परमहंस होते हैं, उनकी रक्षा के लिए निरंतर भगवान ही तैयार रहते हैं। ये तो परमहंस शिरोमणि थे, अवधूत शिरोमणि थे जड़ भरत, उनकी भला हत्या ये डाकू कैसे कर सकते थे। थोड़ी देर तक जड़ भरत जी बैठे रहे, आवाज बंद हो गई थी, सन्नाटा छा गया था, सारी लीला खत्म हो चुकी थी। जड़ भरत जी ने मस्तक उठाकर चारों ओर देखा, वहां तो कटे पड़े हुए थे मस्तक, खून की धारा बह रही थी, एक भी डाकू वहां नहीं था। उठ खड़े हो गए और जो बिछाया हुआ था गमछा उसको झाड़ लिया और बांध लिया और वहां से वो चलते बने। उनके लिए मानो कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। वहां से उसी केदार में खेत में आकर बैठ गए जिस प्रकार पहले बैठे थे। कोई कुछ भी प्रभाव उनके हृदय पर हुआ ही नहीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सारा जगत जब मिथ्या है तो ये भी सब मिथ्या ही है और क्या है। ब्रह्म भाव में आकर उसी प्रकार फिर बैठकर भगवत स्मरण चिंतन, ब्रह्म चिंतन करने लगे।
शिवदेव जी कहते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं उनके अंदर कभी भी विकार होता नहीं, उद्वेग होता नहीं, उनके मन में कभी भय होता नहीं। ना जीवन से कोई मतलब और ना मरण से कोई मतलब, ना जीविदे गृधिंगुरिया ना मरणे, उपनिषदों में बतलाया ना जीवन की ही उन्हें अभिलाषा है ना मरण की ही अभिलाषा है। कुछ लोग होते हैं जीवन की अभिलाषा नहीं रहते रहती है तो मरने के लिए तैयार हो जाते, आत्महत्या कर लेते, मरने की इच्छा होती है। ब्रह्मवेत्ता ऐसा ऐसे नहीं होते, जीवन की इच्छा नहीं है को मरने की भी इच्छा नहीं है। चाहे हजार वर्ष जिए चाहे कल जाना पड़े मरना पड़े कोई अंतर नहीं पड़ता। अद्येववा मरणमस्तु युगांतरेवा, आज मरने के लिए कहे तो बस तैयार है, और फिर कहे नहीं अगले युग में तुम्हारी मृत्यु होगी तो चलो अगले युग में सही। इस प्रकार हर हमेशा समभाव में रहते हैं, यही तो संत महापुरुषों की विशेषता होती है। अथ सिंधु वीरपति रहुगण से व्रजत इक्षुमत्याष्टे तत्कुलपति ना शिविका वाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादित सद्विजवरौ बलब्धयेशवीवायुवा संहननांगो गोकुरवद्धुरं बूढुमलमिति पूर्व वृष्टिगृहीते सगृहीतः प्रसभम् अददर्हौ वाशिभिगां समानुभावौ। ब्रह्मचिंतन में इसी प्रकार समय बीत रहा है। उनके भाइयों ने खेत में नियुक्त कर लिया था तो वहीं बैठे हुए हैं। भूख लग जाती तो गांव में जाते, भिक्षा मांग लेते, जो भी कुछ मिला अमृत के समान उसको खा लिया और आराम से फिर उसी जगह बैठ गए। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक समय की और एक घटना बतलाते हैं। सिंधु और सौवीर दोनों का अधिपति था रहुगण नाम का राजा। सिंधु देश और सौवीर कहते हैं कच्छ को, सिंधु सौवीर सौराष्ट्र ये सब क्रमशः हैं। इसके अधिपति रहुगण नाम का कोई राजा रहा। उसके मन में अभिलाषा हो गई कि इस राज्य में कोई सुख नहीं, अधिकार में कोई सुख नहीं, सुख तो उस परमात्मा को प्राप्त होने में है, इसलिए किसी संत के पास जाना चाहिए, उपदेश प्राप्त करना चाहिए। बहुत सोचा विचारा किसके पास जाए, कौन ऐसा संत है संसार में। राजाओं को सब खबर मिलती ही रहती है कहां पर कौन रहता है कैसा रहता है। रहुगण को यह मालूम हुआ था कि गंगा सागर में बहुत बड़े भारी एक महान सिद्ध ज्ञानी है। रहुगण के मन में विचार हुआ कि वहीं जाए और उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा ग्रहण करें। पालकी में बैठकर वो जा रहे थे, चार कहार पालकी उठा रहे थे। इक्षुमती नाम की नदी के तट पर जब वे पहुंचे उस समय में चार कहारों में एक बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ गया कि सन्निपात ज्वर के कारण बेहोश जैसा हो गया। अब पालकी उठाना उसके लिए संभव नहीं था। राजा ने कहा पता लगाओ आसपास में कोई ऐसा कहार मिल जाए वो लेके आओ, क्योंकि मुझे तो जाना है यहां से। एक बीमार हो गया इसका मतलब नहीं है कि हम उसी की प्रतीक्षा में, उसके ठीक होने में हम प्रतीक्षा करते रहे। ढूंढने के लिए दूसरे इधर उधर खोज करने लगे। संयोग बस वही खेत में बैठे हुए जड़भरत जी मिले। जड़भरत जी को देखा तो कहारों ने समझ लिया ये भी कोई कहार है, खूब मजबूत दिखता है, ये तो हट्टा कट्टा है, बस इसको पकड़ के ले जाए तो अच्छा रहेगा। उसको आके कह दिया रे चल हमारे साथ, राजा साहब आए हुए हैं,
जब उठने के लिए कहा तो जड़ भरत जी उठ खड़े हो गए, हमारे साथ में चल, साथ में चले। कोई भी कहे तो हाँ, मना नहीं था। उनके साथ में पहुंच गए जहां पर राजा रघुगण बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा उठाओ इस पालकी को। तीनों ने तीन किनारे पकड़ लिए और एक किनारा इसने भी पकड़ लिया, जड़ भरत ने भी उठा लिया पालकी और जाना शुरू किया। यदा ही द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगते ही न समाहिता पुरुष गतिस्तदा विषम गताम सुजबिगाम ब्रहुगणोपधार्य पुरुषान अधिवहत आहे बूढ़ारः साध्वतिक्रमत इमिति विषम उद्यति उय्यते यानमिति। जब चलने लगे, जड़ भरत जी ब्रह्मवेता थे, समदृष्टि थे, सब कुछ ठीक। समदृष्टि का मतलब यह नहीं होता कि चलते समय में किसी के ऊपर पांव रख दिया, किसी को दुख पहुंचाया, इस पर वे हमेशा ख्याल रखते थे। चलते समय में किसी प्राणी के ऊपर, किसी कीड़ी के ऊपर, मकोड़े के ऊपर पांव ना पड़े, किसी को दुख ना हो, ये ख्याल ब्रह्मवेत्ता भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वं जगत मिथ्या बोलकर किसी को मारे, किसी को पीटे, यह सब नहीं करते। कौकुटिको भिक्षु हो, भिक्षु के लिए कौकुटिक बतलाया है। कुक्कुटा बतन हरि कौकुटिया, एक कुकड़ा जितने दूर तक छलांग मार सकता है उतनी दूर तक उनकी दृष्टि रहती है, ज्यादा इधर उधर दृष्टि नहीं डालते। नीचे देख देख कर चला करते हैं, नीचे कोई कीड़ा दिखाई पड़े तो उसके ऊपर पांव नहीं रखते। क्या ये भेद बुद्धि है? का भेद बुद्धि की बात नहीं, भेद जो रहता है उससे प्राणियों को दुख भी होता है, सुख भी होता है। व्यावहारिक सत्ता में किसी को दुख पहुंचाना नहीं, यही संतों का सिद्धांत रहता है। पालकी उठाकर जड़ भरत जी चल रहे हैं, लेकिन ख्याल रख रख करके पांव रखते हैं, देख देख करके रखते हैं। दूसरे जो तीन कहार थे वो तो जल्दी जल्दी चलना चाह रहे थे और ये धीरे धीरे चल रहे हैं। इससे क्या हुआ कि पालकी डुलने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। पालकी जब विषम होने लगी, ऊपर नीचे होने लगी, तो राजा रघुगण ने कहा रे तुम लोग क्या करते हो, खेल कर रहे हो? बराबर उठाओ पालकी, बराबर चलो। बड़े जोर से डांट कर राजा ने कहा। दूसरे तीन तो संभल गए। उन लोगों ने सोचा हमसे भी कुछ गलती हो रही थी, लेकिन जड़ भरत जी की वही चाल रही, उसी चाल से वो फिर चलने लगे। आदत ईश्वर वचः सोपालं भंगागरण्य उपाय तुरीया शंकित मनसस्तं विज्ञापयां बहुः न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्यवानुभकाः साध्वी वहावः अयम अधुनैव नियुक्तो विनद्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमः वयं पारयाम इति। दूसरी बार राजा ने धमकाया उनको। राजा ने कहा क्या तुम लोग बराबर चल नहीं सकते, बीमार पड़ गए सबके सब? एक ही तो बीमार हुआ था, अभी सब तुम बीमार हो गए क्या? जब उपालंब वचन इस प्रकार सुना, दूसरों ने समझा कि राजा के पास कई उपाय होते हैं, साम दान भेद दंड, इसमें कहीं चौथा उपाय ना अपना लें, यह जो बात है वो बताई देना होगा। अभी दूसरों ने कहा कि राजन ये हमारी गलती नहीं, ये जो नया आया है कहार यही गड़बड़ कर रहा है, मालूम पड़ता है बड़ा आलसी है, काम करना नहीं चाहता, आपके आदेश के अनुरूप ही हम चलते हैं, और इसको अभी अभी लगाया फिर भी ये काम चोर जैसा दिखता है। इसके साथ में पालकी उठाकर चलना हमारे लिए संभव नहीं दिखता।
सांसर्गिको दोषे वनूनमेकस्याभिसर्वेषां सांसर्गिकाणां भविदुवर्हतीति निश्चित्य दिशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपासित वृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्यरविस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसा व्रतमतिराह। समझ लिया राजा ने यह सब गड़बड़ी, नया आया हुआ कार्य कर रहा है। यद्यपि रहुगण बड़े उदार थे, संतों का सत्संग बहुत उसने किया भी था, लेकिन स्वभाव दुरातिक्रम, स्वभाव भला कहां जाने वाला, थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोध से फिर भी अपने आप को संभालते हुए रहुगण ने कहा, व्यंग वचनों में कहा, अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तमरु परिश्रांतो दीर्घमध्वान वेगेव ऊहिवान सुचिरम नाति दीवान संघननांगुर जरसा चोपद्रुतो भवान सकेनो एवापर इति संघट्टिना इति बहु विप्रलिब्धोऽपि अविद्यारचित द्रव्यगुणकर्माशय स्वजरमगले वरे अवस्तुरि संस्थार विशेषे अहम ममेत्यनध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिबिकां पूर्ववधुवाह। राजा रहुगण ने कहा, अरे भाई बड़े कष्ट की बात है, लगता है कि तुम बहुत थक चुके हो, लंबा मार्ग तय करके यहां तक आए हो, पालकी अकेली कोई जो उठा रहे हो, थकना तो है ही, तुम अकेले हो ना उठाने वाले, और दुबले पतले ऊपर से, सब व्यंग वचन था, दुबले पतले, देखने में तो मोटा ताजा, इसलिए कहा कि तुम दुबले पतले दिख रहे हो, बूढ़े भी जो हो चुके हो। इस प्रकार राजा ने विप्रलंब वचन बहुत कुछ कहा, धीरे धीरे इस प्रकार जब कहा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था इससे, जड़ भरत जी जिस प्रकार चल रहे थे उसी प्रकार मस्त होकर चलते जा रहे थे, मस्तक हिलाते हुए आनंद से चल रहे थे, इधर राजा साहब बोलते जा रहे थे और जड़ भरत जी जैसे के तैसे चल रहे थे, शिविगाम पूर्ववत हुआ पहले के समान, पहले के समान ही वो चलने लगे। अदपुना स्वज बिगायाम विषमदतायाम प्रभुविदौ वाच रहुगण किमिदमरे त्वं जीवन मृदो माम वदर्थी कृत्य भर्तृशासनम अतिशरसि प्रवत्तस्य जते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताय यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति। इतना सब कहने के बाद भी जब जड़ भरत में कोई फर्क नहीं पड़ा तो राजा को सचमुच में कुछ गुस्सा ज्यादा आ गया। राजा रहुगण ने कहा, अरे मैं यह सब बोलता हूं, समझा रहा हूं, समझता नहीं है, जिंदा ही मरा जैसा चल रहा है, मेरे शासन का कदर्थन तुम कर रहे हो, अतिक्रमण तुम कर रहे हो, याद रखो मैं तो शासक हूं, तुम पर मैं शासन कर सकता हूं, अभी प्रमादी जो होते हैं उनकी दवा मेरे पास में है, यमराज के समान मैं दंडपाणि बन जाऊंगा तब तुमको ख्याल आ जाएगा कि किसी से भेंट हो गई और अपनी प्रकृति पर फिर आ जाओगे, ठीक बराबर चलो। एवं बहुवद्धम विभाषमाणम नरदेवाभिमानिनम रजसा तमसा नविद्येन मदेनो तिरस्कृताशेष भगवत् प्रियनिगेतम पंडितमानिनम स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूत सुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमति स्मयमानैव विगतस्मयैदमाः। सब कुछ कह दिया लेकिन जड़ भरत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, चाहे व्यंग से बोलो, चाहे क्रोध से बोलो, चाहे डांटो फटकारो कुछ भी करो, वो अपनी चाल से ही चल रहे थे। राजा रहुगण ने कहा, तुम
चतुर्थ नीति की ही प्रतीक्षा कर रहे हो, मुझे मालूम पड़ रहा है। चौथी नीति दंड नीति होती है। हाथ में डंडा उठा लिया। जड़भरत जी ने सोचा, अरे ये क्रोध में आकर सचमुच में मुझे मारेगा, ऐसा ही दिखता है। मारे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा को मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, भले मेरा माथा ही फूट जाए, क्योंकि मैं शरीर को उसी प्रकार समझता हूं जैसे कोई कपड़ा हो। कपड़ा फट गया तो उसे क्या होता है मनुष्य का, किंतु मुझे मारने से जिस निमित्त ये जा रहा है पालकी पर बैठकर, वो निमित्त खलास हो जाएगा। तत्वज्ञान पाने के लिए जा रहा है संत के पास, और बीच में इस प्रकार पाप करें किसी के प्रति, उसका तत्वज्ञान तो किनारे रह जाएगा, नरक गामी बन जाएगा, उसके लिए नरक ही सुरक्षित रहेगा। जड़भरत को दया आ गई, भय नहीं दया आ गई। जड़भरत ने सोचा, कहीं ये नरक गामी ना हो जाए, जरूर ये पीटेगा, निश्चय है, कोई संशय नहीं, डंडा मेरे माथे पर मारेगा ये, और उसका परिणाम अति भयंकर होगा। यदि इस समय भी मैं मौन रहता हूं तो इसके नरकगामी होने का हेतु मैं ही बन जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपना मौन तोड़ दूं। अभी तक कभी जो जड़भरत जी बोलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, कोई पूछे तो जवाब देते नहीं थे, डांटे तो उसके लिए जवाब देते नहीं थे, कभी नाराज नहीं होते थे, मौन ही जो रहा करते थे, वे आज अपना मौन तोड़ते हैं। जड़भरत जी बोलने लगे, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं वर्तुस्समीस्याद् यदि वीरभारौ गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वाः पीवेदिराशौरविदां प्रवाद स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयादयश्च शत्रुर्भयं करिरिच्छाजरा च निद्रारदर्मन्युरहं मदश्रुजो देहेन जातस्य हि मेन सन्ति जीवन्मृदत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यौ विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्यभावो ध्रुव इड्य यत्र तर्ह्युच्य देशौ विधिगत्य योगा। जड़भरत ने कहा, हे राजन, जो आपने अभी तक बताया मैं उसे उपालंब नहीं समझता, व्यंग नहीं समझता। जो भी कुछ आप बोल रहे थे सो यथार्थ ही बोल रहे थे। आप जो कह रहे थे तो मोटे ताजे नहीं हो। हे राजन, मोटा ताजा जो भी कुछ होता है वो शरीर होता, मैं नहीं होता। जो आप कह रहे थे लंबा मार्ग तय करके आए हो, राजन ये व्यंग नहीं यथार्थ है। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए पता नहीं कितना मार्ग हम पार कर चुके हैं, अब यहां पर पहुंचे। बहुत लंबा मार्ग, थोड़ा नहीं बहुत लंबा, जिसका कोई आदि ही नहीं, इतना दूर हम आए हैं यहां तक। आप जो कह रहे थे कि ये जिंदा ही मृत, जीवन मृत है ही ऐसे ही, जो ये शरीर है जीवित मृत है। एक पीतल का लोटा है, उसके अंदर अगर दूध रख लिया जाए तो सोना नहीं बनेगा, उसके अंदर तेल डाल दिया जाए तो लोहे का नहीं बनेगा, पीतल पीतल ही रहेगा। इस शरीर के अंदर अगर प्राण आ गया तो वो शरीर शरीर ही है, अगर प्राण निकल गया तो भी वो शरीर शरीर ही है। प्राण निकलने के बाद में यदि मृत बोलते तो है ये मृत, ये मृतक तो है ही,
प्राण के कारण ये जीवित कहते तो जीवित भी है, इसलिए जीवन मृत जो बोलते हो यथार्थ बोलते हो, इसमें कोई व्यंग की बात नहीं है। विशेष बुद्धेर विवरम मनाच पश्याम यन्न व्यवहार दोन्यत् ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथा विराजन् करवामि किंति। जो आप बोलते हैं कि मैं शासक हूं तुम्हारे ऊपर शासन करूंगा, हे राजन, जो तुम शासक अपने आप को समझते हो, दूसरों को शासित समझते हो, कौन शासक कौन शासित, अद्वैत में कोई शासक नहीं होता, कोई शासित नहीं होता, एक ही अद्वैत है। तुम यह समझते हो कि मैं शासक हूं, केवल तुम्हारा यह अहंकार मात्र है, कोई ईश्वर कोई ईशितव्य है ही नहीं। हाँ, फिर भी बोलो क्या आज्ञा है, क्या मैं सेवा करूं, सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं, जो कुछ बोलो सो करने के लिए मैं तैयार हूं। उन्मत्त मत्त जड़व सुसंस्थाम गदस्य में वीर जिगित्सिदे नौ अर्थ कियान भवदा शिक्षिते नस्तब्ध प्रवक्तस्य जपिष्ट पेशा। और मैं तो ऐसा हूं, उन्मत्त सा हूं, जड़ सा हूं, मत्त जैसा हूं, आप जो अभी बोल रहे हैं तुम्हारी दवा में जानता हूं, तुम्हारी चिकित्सा में जानता हूं। राजन, बात यह है, मेरी चिकित्सा हो चुकी है, दवा हो चुकी है, जो कुछ होना है। अब दवा करने से कोई फायदा नहीं है, ये पिष्ट पेशेंट मात्र होगा, पीछे से इसका क्या मतलब।